अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अब एक और चीज है जो हम लोग दिल्ली में कोशिश करेंगे, वो ये है कि अगर हमारे पास, देखिए अब हम स्कॉलर्स हैं, अगर हम स्कॉलर हैं तो इतना तो कर सकते हैं कि गैर मुस्लिम अपने साथ ला सकते हैं, दिल्ली के स्कॉलर्स की ये जिम्मेदारी है। तो अगर हम 500 स्कॉलर्स की टीम दिल्ली में बना लें मुसलमान, तो 500 हिंदू उनके साथ आएंगे जब अर्जेंट मामला होगा। इतनी तो जिंदगी यही गुजारी है, तो इतना तो करिए, एक आदमी को तो ला ही सकता है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अगर 500 हैं दिल्ली में, तो हम 500 मुसलमान 500 हिंदू रोड पर खड़ा कर दें अपनी शर्तों पर, अपने कॉज के लिए। अरे भाई, एक हिंदू को तो आप ला सकते हैं ना अपनी शर्तों पर, हमें किसी और की मदद की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें इसी डर से बचना है कि कम्युनल टैग ना लगे, कम्युनल टैग से भी फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है ब्रूटैलिटी से, फ़र्क पड़ता है जब हम अकेली की भीड़ है और पुलिस हमें बेतहाशा मारे, फ़र्क उससे पड़ सकता है, फ़र्ज कीजिए। तो एक आर्ग्यूमेंट ये बार बार आ रहा था दिल्ली में, इसीलिए मैं ये बात रख रहा हूँ। तो हमारी ये कोशिश रही है दिल्ली में कि हम एक ऐसी भीड़ को बना पाए जिसमें गैर मुस्लिम हमारे साथ ना रहे, तकबीर लगाए, ठीक है, और वो हमारी शर्तों पे खड़े हैं हमारे साथ। अगर वो हमारी शर्तों पे नहीं खड़े हैं तो मतलब वो हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी भीड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि उन्होंने 70 साल से किया है। अब वक्त ये है कि हम गैर मुस्लिमों को बोलें कि अगर हमदर्द हो तो हमारी शर्तों पे आगे खड़े हो, अगर हमारी शर्तों पे नहीं खड़े हो सकते तो वो हमदर्द नहीं है हमारे। दूसरी, मैंने बिहार में देखा, अच्छा बिहार का एग्जाम्पल दूंगा, बिहार में बहुत सारी रैलियाँ हो चुकी हैं, हर रोज एक दो बड़ी रैली होती है। अब वो कन्हैया वाली रैली देख लीजिए, 5 लाख लोग थे उसमें अररिया में। अब उसका मसला बस इतना सा है, ये मैं पहले भी शायद दर्ज कर चुका हूँ, अगर 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर हम परमानेंटली नहीं, तो कम से कम 1-2 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पर, उनको हटाने में 1 महीना लगे, ठीक ही नहीं। जाए एयरफोर्स से, आसाम को काटना हमारी जिम्मेदारी है, आसाम और इंडिया कट के अलग हो जाए तभी ये हमारी बात सुनेंगे। आसाम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, CA नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन टाइम में लोग डाले जा रहे हैं, है ना, और वहाँ तो खैर कत्लेआम चल रहा है, 6-8 महीने में पता चलेगा सारे बंगालियों को मार दिया गया, हिंदू हो या मुसलमान, ठीक है। तो अगर हमें आसाम की मदद करनी है तो हमें आसाम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए, समझ रहे, फौज के लिए और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो, और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है, वो जो इलाका है मुस्लिम अक्सरियत है। कन्हैया जैसे नेता क्या करेंगे, जाके इनकलाब के नारे लगवाएंगे, इनकलाब के नारे लगवाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे और चले आएंगे, तालियां होंगी हमारे आवाम की, चेहरा होगा इनका, और उससे एक भी प्रोडक्टिव चीज़ नहीं निकली आज तक, एक भी प्रोडक्टिव चीज़ नहीं निकली आज तक। तो ये चीज़ याद रखें, ये चीज़ याद रखें कि अगर आवाम गुस्से में है तो उस गुस्से का प्रोडक्टिव यूज़ करना, वो जिम्मेदारी है सियासतदान की, स्कॉलर की, सहाफ़ी की, जो भी है, कि हम इसको प्रोडक्टिवली यूज़ कर पाए, रादर देन वेस्ट करना फोटो सेशंस में, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ समझ में आई कि अभी तक जो सेंसिटाइजेशन का भी मामला है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उन्हीं कंट्रोल में जो इंडियन नेशन की पूजा करते हैं, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे कांग्रेस हो, सारे वो उन्हीं के कंट्रोल में। तो हमारे कंट्रोल में यूँ आएगा कि हम लोग मुस्लिम स्कॉलर्स का ग्रुप बनाएं, और ऐसा ग्रुप बनाएं जिसमें आपस में इस बात पे बहस ना हो कि हम नेशनलिस्ट हैं कि नहीं, ठीक है। बाहर में जो पर्दा रखना हो वो अलग बात है कि अभी हमें कुछ दिनों तक भाई चुप रहना है कि इंडिया से, या इस जगह पे नहीं बोलना है या उस जगह पे नहीं बोलना है, वो बात अलग है, या आज हालात ठीक नहीं है या कल हालात ठीक नहीं है, परसों बोल सकते हैं, लेकिन परसों का मतलब ही नहीं 10 साल बाद, मतलब मैं अभी जैसे डेली अफेयर्स की बात करूँगी, मैं किस मोहल्ले में खड़ा हूँ, लेकिन ये क्लैरिटी उन स्कॉलर्स में हो कि हम हिंदुस्तान के निज़ाम और आइन से परेशान, अगर ये क्लैरिटी है तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, इस बात पर इत्मीनान कर लें आप, देयर इज नो वे टू मूव फॉरवर्ड। तो अभी अगर आवाम सड़कों पर है और आवाम सुनने को तैयार है, टाइम वॉक में ये हुआ कि मैं स्टेज पर चढ़ करके रोज कांग्रेस के खिलाफ 2-3 बार बोलता था, ठीक है, बीजेपी RSS का नाम मैंने 20 दिनों में शायद 1 बार भी ना लिया हो, क्योंकि पता है लोगों को, अरे लोग इसलिए सड़क पर हैं क्योंकि उनको लग रहा है भाजपा ने कुछ नया वो किया है मुसलमानों के खिलाफ, बस इसीलिए सड़क पर, उनको अभी CA पता भी नहीं, NRC बहुतों को नहीं पता है, CA बहुतों को नहीं पता है, दिल्ली में ही, बिहार का तो छोड़िए, दिल्ली में ही नहीं पता है। तो आवाम सड़कों पर इसलिए नहीं है, ये गलतफहमी है लोगों की कि वो CA के लिए आए हैं या वो कॉन्स्टिट्यूशन बचाने आए हैं या वो देश बचाने आए हैं, अगर मुसलमान खुद को बचा ले बहुत बड़ी बात होगी, और अगर हम खुद को बचाएंगे तो देश भी बच जाएगा, और अगर हम खुद को ना बचा पाए तो ये देश भी बर्बाद हो जाएगा।
अगर मुसलमान ऑर्गेनाइज होकर के रिस्पॉन्स न कर पाए, रिस्पॉन्ड न कर पाए, तो हम अनऑर्गेनाइज रिस्पॉन्स लेंगे, और अनऑर्गेनाइज रिस्पॉन्ड अगर मुसलमानों ने किया तो ये देश तहस नहस हो जाएगा, ये आपको भी पता है। तो अगर मुसलमान खुद ऑर्गेनाइज हुए तो उसी से हम देश भी बचा लेंगे इंशाल्लाह, हमें इतनी कुव्वत है, लेकिन पहले हमें ऑर्गेनाइज होना, ये बात बहुत जरूरी है। अच्छा।